कराऊंगा और उनसे हम लोग भोजपुरी सिनेमा को लेकर बातचीत करेंगे, कलाकारों से पूछते हैं, और खुशी की बात है कि हर कलाकार विभाग रूप से उसका जवाब भी दे रहे हैं। विकास राज जी भी जुड़ गए हैं, अजय सिंह जी जुड़ गए हैं। आज के हमारे कॉल करते हैं हम लोग या बातचीत करते हैं। 5:05 हो गया, हम लोग लाइव सेशन अब चालू करें अपना। अभी आ गया और लाइव आप कनेक्ट कीजिए। ओके भैया, आप भी भेजिए। थैंक यू अक्षरा जी, मैं आउटस्टैंडिंग नहीं हुई, आप लोगों का प्रेम है। भैया नमस्ते। प्रणाम 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 प्रणाम। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? सब आशीर्वाद दुआ आप सबकी, आप सब, आप जैसे बड़े भाइयों की दुआ है। छोटा भाई हूँ आपका, मैं आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। शरीर से नहीं लग रहे हैं, हो सकता है उम्र में हो। ये लोगों का प्यार है और आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद दुआ है, जो मैं कहीं दुनिया के किसी भी कोने में रहता हूँ तो सिर्फ चर्चे में ही रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल खेसारी भैया, काफी लोग जुड़ गए खेसारी भैया हम लोग से इस लाइव सेशन में। रजनीश भैया जुड़े हुए हैं, पराग पाटिल जी जुड़े हुए हैं, अक्षरा सिंह जी जुड़े हुए हैं, अनंजय रघुराज जी जुड़े हुए हैं, दिनेश भैया, अमरपाली जी। कौन अनंजय रघुराज? हाँ हाँ, वो भी जुड़े हुए हैं। वो तो मेरे बड़े अजीज मित्र हैं अभी तक, उनके पास मेरा बहुत कुछ है। तो खेसारी जी, हम लोग ये लाइव सेशन चालू करने के पहले, ऐसे तो आपके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपने नजरों से आपके बारे में कुछ, जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं और जो लोग देख रहे हैं, उन लोगों को, दर्शकों को बताना चाहेंगे। और हाँ, कैमरा प्रिंस दुबे जी गीतकार हैं, वो खेसारी भैया कैसे हैं पूछ रहे हैं। ब्राह्मण को पैर छूता हूँ, आजीवन छूता रहूंगा और बड़ा प्यार मिलता है। खेसारी जी, तो चालू करते हैं हम लोग। मैं आपके बारे में कुछ लोगों को परिचय देना चाहता हूँ, मतलब आपके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं खुद अपने अंदाज में कुछ बोलना चाहता हूँ। साधारण से कट काठी से दिखने वाले लड़के, जो भोजपुरी दुनिया के, भोजपुरी संगीत की दुनिया में लगातार 10 सालों से अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं और सबसे बड़े ट्रेंडिंग स्टार हैं, वो हैं खेसारी लाल यादव। लगातार 10 सालों से ऑडियो की दुनिया में सबसे बड़े नाम है खेसारी लाल यादव। भोजपुरी फिल्मों में अपने पहली ही फिल्मों से उन्होंने छक्का मारा और उसका एक से एक बड़ी सुपरहिट फिल्में दी। इनकी फिल्मों ने हमेशा ट्रेंड बदलने का काम किया। हाल की मेहंदी लगा के रखना और संघर्ष, उसका जीता ज्यादा उदाहरण है, दोनों ट्रेंड सेटल फिल्में हैं। हजारों युवा लड़के जो साधारण कट काठी के हैं, जो बहुत गरीबी से आते हैं, जो कम पढ़ाई लिखाई कर सके हैं, उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है खेसारी लाल यादव। इनकी सफलता से आम आदमी खुद को कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही शख्सियत खेसारी लाल यादव जी का स्वागत है और हम लोग शुरू करते हैं खेसारी लाल यादव जी से बात। इतनी तारीफ तो मुझे आज तक किसी ने किया ही नहीं होगा जितनी तारीफ आपने आज मुझे कर दी। नहीं नहीं भैया, जो सच्चाई है, मैंने बोला तारीफ करिए, मुझे अच्छा लगा क्योंकि अपनी तारीफ में बहुत कम सुन पाता हूँ। आप जैसे भाइयों के मुंह से सुना तो अच्छा लगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बखूबी जानते हैं, आप हर आदमी के स्ट्रगल को आपने देखा है। मुझे लगता है कि मैं जितना सिनेमा नहीं कर पाऊंगा उतना आपने रिलीज किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल भैया, अब आपके मुंह से तारीफ यही अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता से आप जुड़े रहते हैं और ये मेरे हिसाब से, मैं ये सारी समर्पित अपने उस जनता को करता हूँ कि अगर वो नहीं होते, अगर वो मुझे प्यार नहीं दिए होते तो मैं इस तारीफ के काबिल नहीं बनाऊ। बिल्कुल बिल्कुल खेसारी भैया, आपको लगता है कि आम्रपाली जी भी आ गई, उनका मैसेज है हेलो बोथ ऑफ यू। अक्षरा जी भी आई हैं, वो भी हेलो बोल रही हैं। सब लोग आपकी हीरोइने, आपके दोस्त, फिल्म लाइन के फैन सब जुड़ गए हैं। भैया खेसारी जी, आपको लगता है कि जिस तरह आप गाना गा रहे थे, या हजारों गायक जो भोजपुरी फिल्मों में, जो भोजपुरी संगीत में है और गाना गायकी करते हैं, उन लोगों के लिए मनोज तिवारी जी, निरहुआ जी, इन लोगों ने एक ट्रेंड सेट किया कि जो भी गायक है वो अगर अच्छा गाना गाते हैं, लोकप्रिय होते हैं, तो अभिनय में आ सकते हैं, अभिनय बन सकते हैं। तो क्या आपको फायदा मिला? बचपन से आप सिंगर बनना चाहते थे या एक्टर बनना चाहते थे, और आज जो आप बड़े एक्टर बने हैं, इस एक्टिंग करियर में सबसे बड़ा योगदान किसको देते हैं? देखिए, योगदान तो मेरे कहने का मतलब कि मैं उस ऑडियंस को देता हूँ जिस ऑडियंस ने मुझे
मेरे ऑडियो को अगर नहीं सुना होता, मेरी वीडियो को नहीं देखा होता, तो सबसे ज्यादा योगदान देखा जाए तो उस ऑडियंस का है। और हाँ, हीरो बनने का योगदान अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनोज भैया और रवि भैया का बहुत बड़ा योगदान है, और मनोज भैया का, खास करके मनोज भैया का, कि गायक से वो एक्टर बने। तो हम लोग के लिए एक रास्ता उन्होंने बनाया, और मैं आजीवन शुक्रगुजार हूँ मैं अपने तीनों भाइयों और तीन भाइयों का, मैं अपने चारों गार्जियन का, क्योंकि मैं इन लोगों का बचपन में, मैं छोटा था तब मैं कहीं ना कहीं कांच का सहेली सुना करता था, जो पवन भैया का गाना है। बचपन में समझिए कि ज्यादा उम्र भी नहीं थी मेरी, तब से मैं पवन भैया को सुन रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। मनोज भैया को बचपन से आदमी देख रहा है, छोटे से हम लोग थे तब हम लोग ने बगल वाली जान मरेली से लेके, निरहुआ सटल रहे से लेके, और ये जो मेरे चार बड़े भाई हैं जो कि मेरे गार्जियन भी हैं, तो इन चारों भाइयों को देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर अगर ऊर्जा आती है तो इनको देखकर आती है, इनसे कुछ सीखने को हमेशा मिलता है, चाहे वो पवन भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, या मेरे बड़े भाई रवि भैया, या मनोज भैया। तो ये लोग कहीं ना कहीं हमारे पिता की तरह एक सम्मानित है, और हमेशा इनको मैं आदर के भाव से हमेशा देखता हूँ। और मैं आने वाली पीढ़ी को भी यही बोलता हूँ कि अगर आपसे अगर कोई बड़ा है, अगर सम्मानित है, तो उसको सम्मान दें। तो जिसको लगता है कि देना चाहिए वो देता है, जिसको नहीं लगता है वो नहीं देता है, तो उससे क्या मतलब है। ये तो मतलब आप ये तो मानते हैं, लेकिन एक्टिंग फील्ड में आप आए तो आप किसको उसका योगदान देते हैं? जैसे एक्टिंग में आप आ गए मनोज भैया, लेकिन आपको सबसे पहले एक्टिंग में फिल्मों के लिए किसने संपर्क किया? मुझे कहीं ना कहीं बता रहा हूँ आपको कि मुझे लेकर यहाँ पे आए दीप भैया, अशोक कुमार दीप जी। अशोक कुमार दीप जी, तो मैं उनका हमेशा तहे दिल से हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा कैसेट उठाया और मुझे दिल्ली से उन्होंने बोला कि बेटा तू आ बॉम्बे, एक दो लोग हैं, तुम्हारी अच्छी पर्सनालिटी है, तू गाता अच्छा है, तुम्हारा नाम बड़ा है, तो तू आ देखते हैं, एक दो लोग मेरे जानने वाले हैं उनसे मिलवाता हूँ। तो उन्होंने आलोक भैया से मुझे मिलवाया, और आलोक भैया मुझे देखे, उस समय में साइन नहीं हुआ था, और उसके बाद मुझे रामाकांत जी से भी उन्होंने उसी समय मिलवाया था। लेकिन मैं जब पटना गया, उस समय मेरा गाना आया था कि सैया लईका नियम सूत जला कोरा में दिया क्या जोरा में, तो उसी कैसेट को लेके जब मैं पटना गया था, तो एक होटल में मुझे आलोक भैया बुलाए, और बुलाकर और फिर हमें साइनिंग उन्होंने 11,000 रुपया का दिया, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। वो 11,000 रुपया का चेक आज भी नहीं भजाया हूं मैं, आज भी उसे 11,000 का चेक मेरे पास पड़ा है विदाउट डेट, और हमेशा कहीं ना कहीं उस चेक को मैं रखता हूँ, क्योंकि मेरी जीवन की पहली वो फिल्म बहुत सफल हुई, और उसके बाद तो रेस्ट इज द हिस्ट्री, लगातार फिल्में आने लगी। खेसारी भैया एक बात बोलूंगा कि आज जितनी अच्छी बॉडी आपने बनाई है, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर सलमान खान की बात होगी बॉडी को लेकर, शरीर को लेकर के, तो उसमें आपका नाम मैं लेना चाहूंगा कि बेहतरीन बॉडी बिल्डर जो भोजपुरी फिल्म में अभिनेता जिनका सलमान खान की तरह बॉडी है, तो वो खेसारी लाल यादव का है। और लाखों युवा लड़के जो भोजपुरी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उनके भी आप जिम के लिए सब इंस्पिरेशन है। लेकिन तब भी ऐसा होता है, जब भी आपको किसी लोग को आपका क्रिटिसाइज करना होता है या आपको नीचा दिखाना होता है, तो लोग कहते हैं कि आप नाच के लौंडा से अपने कैरियर की शुरुआत की है। मैंने इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी विधा हो जो ईमानदारी से रोजी रोटी देती है वो पूरी नहीं होती। आप क्या कहेंगे इस बारे में, जो आपको कहा जाता है कि नाच के लौंडा है? आपने जो बातें बोली बिल्कुल सही बोली, ऐसे तो मैं उस विधा से कभी आया नहीं, और अगर होता भी तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे खुद को फक्र होता है कि देखिए मैं नाच के लवंडा, और नाच के लवंडा मैं लवंडा उस चीज को नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं वो सरस्वती के पुत्र हैं, वो संगीत से जुड़े हुए हैं, तो वो एक आर्टिस्ट हैं, वो एक कलाकार हैं। और मैं कभी इस नाच के विधा से जुड़ा नहीं, और ना ही मैं कभी नाच पार्टी में रहा हूँ। मेरे जीवन मैं तो एक गायक था, और मैं ब्यासी, मैं रामायण और महाभारत गाता था, जो ब्यास लोग पहले मैं 6-7 महीने रमा शंकर यादव, एक हमारे सिवान के हमारे गुरु जी थे, उनके साथ में करीब 6-7 महीना, करीब 7-8 महीना रहा। उसके बाद मैं 4-5 साल कहीं ना कहीं मैं मेरे गुरुजी जो माने माननीय मेरे श्री कमलाकांत मिश्रा ब्यास जी, और उन्होंने मुझे कम से कम 4 से 5 साल में उनके साथ रहा, गायकी सीखी। गायकी में क्या, मैं रामायण महाभारत गाना सीखा, तो मैं कभी नाच पार्टी में नहीं रहा। लेकिन लोगों के मानसिकता को तो मैं नहीं बदल सकता निशान जी, लोग मुझे बोलते हैं इस बात को कि हाँ खेसारी नाच का लवंडा है, बट देखिए लवंडा मैं नहीं कहता, वो एक आर्टिस्ट है। और अगर मुझे लवंडा भी बनना पड़ा तो मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है इस बात।
बात से कि मैं लवंडा था, अगर लोगों का मानना है तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मैं इसको बुरा मान जाऊं। मैं बुरा नहीं मानता इस चीज को, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट है। दिन भर बताइए कोई रोजी रोटी अपना करता है, फल चलाता है, ये करता है, पेट के लिए ही तो करता है। तो पृथ्वी एक स्टेज की तरह है और हर आदमी अपने अपने कर्तव्य के साथ उस पे डांस कर रहा है। अगर मैं नाचता हूं, अगर मैं मान के चलिए मैं साड़ी पहन के नाचता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने पेट के लिए नाच रहा हूं, अपने बीवी बच्चों के पालन हार के लिए, अपने बीवी बच्चों की सुख सुविधा के लिए नाच रहा हूं। बिल्कुल। अगर इसको दुनिया अगर मानती है कि ये विधा बहुत गंदा है, तो सर सॉरी, मैं तो ये बात को नहीं मानता। मैं उसको सरस्वती के पुत्र, और नाचने के लिए जहां बात है, रासलीला की है ना भगवान कृष्ण, तो वो भी तो एक नचनिया थे। तो जो जिस ईश्वर ने हमें पैदा किया, हमें दुनिया दी, हमें इस पृथ्वी पर खेलने के लिए। आम्रपाली जी लिख रहे हैं कि जब आप ऑन स्क्रीन लड़की बनते हैं तो अच्छे अच्छे हीरोइनों को पीछे छोड़ देते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं क्या मेरे लिए? हाँ, कॉम्प्लीमेंट ही हुआ ना। मतलब आपको ये सब लोग, अगर आपके दुश्मन जो है वो कभी भी ये सब चीजों को लेकर अगर आपको टारगेट करते तो आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि मैं पेट के लिए करता हूँ, और वो जो करते हैं वो मेरे नजर में बहुत बड़े हैं। जो नाच में लोग कलाकारी करते हैं, जो नाचते हैं, डांस करते हैं, सर मैं अगर होता भी ना, उस विधा साया भी होता, तो मुझे इस बात का दुख कभी नहीं होता और ना ही कभी दुख होगा मुझे। तो मैं यही कहूंगा कि उस लाइन में जो भी है, अपने बच्चों का अगर पालन हार कर रहा है और वो संगीत डांस करके कर रहा है, तो जिन लोगों के नजर में ये चीजें गलत है, उनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर आदमी तो नाचता ही है। कोई कलम लेकर नाच रहा है, कोई तमूर बजाता है, तो कोई पिस्टिंग बजाता है, तो कोई किलाट बजा रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है। जहां तक सवाल है, हमारे यहाँ कुछ लोग, अपने इंडस्ट्री के भी लोग हैं, खेसारी भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि आप क्लियर नहीं दिख रहे हैं, धूप बहुत ज्यादा आपके ऊपर है, थोड़ा बहुत साइड करके अगर मैनेज कर सकते हैं। हाँ, अब सही हो गया, अब सही हो गया। एक मिनट में क्या करिएगा। चलिए, तो बोलने के लिए लोगों को वही, क्योंकि काफी अभी आ रहा है। मेरे कहने का मतलब कि देखिए, हमारे यहाँ कुछ लोग जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि संगीत का मतलब क्या होता है, वही आदमी इस चीज को गलत बोलता है कि हाँ ये लवंडा है, ये इस टाइप का है, वैसा है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं कुछ तो हूँ और मैं अपने बच्चों को पाल तो रहा हूँ, भीख मांग कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज, एक और बात बता रहा हूँ आपको कि वही कमल हसन जब साड़ी पहनकर इंडस्ट्री में नाचते हैं, चाची 420 में जब कमल हसन ने नाचा तो दुनिया ने उनकी तारीफ की। आंटी नंबर वन में गोविंदा सिंह ने जब नाचे तो दुनिया ने उनको अपने हाथों में, अपने दिल में बैठाया और उनको एक आर्टिस्ट का रूप दिया, एक कलाकार का रूप दिया। दूसरी चीज, जब बच्चन साहब साड़ी पहनकर नाचे तो उनको दुनिया ने एक कलाकार के रूप में देखा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे भोजपुरी की, कि अगर हम कुछ अच्छा करने की, अगर हम अपने आप को कुछ अच्छे ग्रेड में लेकर जाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है जो कि हमारे इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें लवंडा बोलने वाला और डांसर बोलने वाला और छक्का बोलने वाला सिर्फ पब्लिक है, ये इंडस्ट्री के लोगों ने हवा बनाया। पब्लिक तो प्यार करती है तब इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, वो कहीं ना कहीं आपके विरोधी होते। जी जी जी, जिनको मैं खटकता हूँ, जिनको मैं प्रॉब्लम करता हूँ, जिनको आगे बढ़ने में रुकावट डालता हूँ, जबकि मैं किसी के हाथ नहीं खींचता, मैं अपने काम से अपने आप को ऊपर करता हूँ, मैं अपनी लकीरों को बड़ा करता हूँ, किसी की लकीर को छोटा करने की कोशिश नहीं करता। बट उनको लगता है कि ये बड़ा कैसे हो गया। भाई जी, मैं अपनी गरीबी बताऊंगा तो आप रो दोगे। मैं पूछूंगा आपसे गरीबी को। अभी मैं पूछना चाहता हूँ खेसारी जी, हमारी मुद्दा जी सुनिए, तो वो जब नाचते हैं तो उनको दुनिया आर्टिस्ट का रूप देती है, लेकिन जब हम साड़ी, अच्छी बताइए, हमारे बड़े भाई दिनेश भैया ने साड़ी नहीं पहना? हाँ बिल्कुल पहना, तो मेरे बड़े भाई हैं। क्या पवन भैया ने साड़ी नहीं पहना? बिल्कुल बिल्कुल, पवन पुरवैया में पूरी रवि किशन जी ने भी पहना है, सबने, और सबने पहना है। और ये एक आर्टिस्ट जैसे पुलिस बनता है, जैसे डॉन बनता है, जैसे रोमांस करता है, कॉलेज गोइंग बॉय, वैसे ही एक कैरेक्टर है।
ठीक है, उसका जवाब मिल गया हम लोगों को कि आपको, आप उसका मतलब उन लोगों को ऐसे जो लोग ऐसे विरोधी ऐसी बात करते उसका आपको कोई फर्क नहीं। संदेह भी है कि मैं अगर नहीं हूँ वो बड़ा, मैं अमरपाल जी लिखे कि दिनेश जी बहुत बहुत सुंदर दिखे थे, मधु जी लिख रही है कि वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर। थैंक यू आप दोनों को दिल से थैंक यू, आप लोगों ने तो, आपके साथ मैंने सिनेमा भी किया है और अमरपाली जी के साथ तो मैंने कोई सिनेमा नहीं किया है, और मेरे, मैं क्या बोलूंगा, मैं बाद में बोलूंगा जो मेरे लिए किया है भैया, मैंने मधु के साथ सिनेमा किया। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा विवादों में रहते हैं, जब तक लोग आपके साथ होते हैं तो ठीक होता है, जैसे ही वो आपके साथ मतलब नहीं होते हैं तो आप डोली में गोली मार देते हैं, किसी को भताल भतियारा बोल देते हैं, मतलब आप अपने गानों से लोगों से बदला लेते हैं। सच में ये गाने किसी के लिए आप गाते हैं कि ऐसे ही लोग विवाद में आपको घसीट देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट अभी का ज्वलंत सवाल है ये। अब निशांत जी मैं आपको बताता हूँ जी जी, होता क्या है कि मैं उस चीज को मनोरंजन के लिए गाता हूँ, एक प्रेमी एक प्रेमिका के लिए कितना आक्रोश में रहता है जब उसको अगर वो छोड़ने की बात करती है, तो अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो लगता है कि हमारी दुनिया हिल गई, हमारी दुनिया हिल गई। दूसरी चीज, अभी जो अभी इस गाने की बात कर रहे हैं कि आपने जो मैंने गाना गाया था कि मैं 6 महीना पहले इस गाने को गाया था, ये मुझे पता 6 महीना पहले नहीं था कि लॉकडाउन हो जाएगा और हर आदमी अपने घर में आ जाएगा जी जी। और वो गाना को सुनिए, हमारा के तनिको न माने ला, दोसर दीवाल जाके फाने ला, इत घूमी घूमी खोजा तचारा जी। एक पत्नी अपने पति की जो हरकते है वो अपने सहेली से बोल रही है, ऐसा नहीं है कि मैंने आरा शहर पे पहली बार गाना गाया हूं, मेरे कम से कम 10 ऐसे गाने होंगे जो आरा के लिए होंगे, क्योंकि मेरे लिए कोई जिला नहीं है, मेरे लिए कोई जाति नहीं है, मेरे लिए हर वो जिला मेरा अपना है, हर वो जिला के लोग मेरे अपने हैं। कुछ लोग इस गाने को विवादित बनाने के लिए और पब्लिक को आपस में लड़ाने के लिए, खुद की रोटी सेकने के लिए, उन लोगों ने इस गाने को एक विवाद दे दिया। ओके, मतलब आपने ये गाना किसी के ऊपर नहीं गाया था, आप किसी भी साथी कलाकार के ऊपर गाना नहीं गाते हैं, ये लोग उसको नहीं करते। मेरा मानसिक, और आप अगर लोगों को लगता है कि मैंने, कुछ लोगों को लगता है कि मैंने पवन भैया के लिए गाया है, वो मेरे बड़े भाई है, वो गार्जियन है, वो उसको आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं जब 6 बरस के था ना तब से मैं देख रहा हूँ उस आदमी को बड़ा देखते हुए, तो आज मेरे जीवन में मेरे कहीं ना कहीं वो पितातुल है, और उस पितातुल इंसान को मैं इतनी अभद्रता के साथ मैं कैसे बोल सकता हूँ, और मेरे लिए कोई जिला बड़ा बात नहीं है, मेरे लिए हर वो जिला मेरा अपना है। एक पत्नी का, आप गाना का बोल सुनिए कि हमारा के तनिको लो ना माने ला, दूसर दीवार जाके फाने ला, तो घूमी घूमी खोजा तचारा, भतार भटियारा रहता जाके आ रहा। एक पत्नी का एक दर्द है कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ फंस गया है और वो अपने सहेली से अपनी विधा बोल रही है, ऐसा नहीं था, मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान का उसमें ना नाम लिया है और ना ही किसी को मैंने टारगेट करके गाया। अच्छी बताइए, हम सब एक भाई ही है, हम किसको टारगेट करेंगे? कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों को लगता है कि नहीं, हम विवाद खड़ा कर देंगे, खेसारी को नीचा गिरा देंगे। जब मैं गरीब था ना, मैं जब लिट्टी बेचता था, लोगों का बर्तन जूठा धोता था ना, तो तब तो कोई नीचे गिरा ही नहीं पाया, क्योंकि जनता और हर आदमी इस बात को जानता है। बिल्कुल खेसारी जी, आप अपने हार्ड वर्किंग के बदौलत है। खेसारी भैया, गाना चोरी का भी बहुत आरोप लगता है, यादा कदा की गाना चुरा लिए, क्या ऐसा बातों में सच होता है क्या? मुझे तो, मुझे अच्छी बताइए, मेरे कहने का मतलब कि गाना चोरी का इल्जाम इधर मुझे लगता है कि लहंगा लखनऊआ और एक अभी एक गाना मेरा रिलीज हुआ है, इसी पे चोरी का इल्जाम लगा है, इससे पहले मेरे पे गाना का चोरी का इल्जाम नहीं लगा, और ये दोनों गाना अखिलेश कश्यप जी का लिखा हुआ। ये बताइए कि जब आपका गाना कोई रिलीज नहीं होता है भाई, आप राइटर हैं या आप? देखिए, आम्रपाली जी लिख रही है कि तुकबंदी के लिए भी कई बार जिले का नाम लेना पड़ता है, सही है? हाँ, तुकबंदी के लिए। अच्छा, पवन भैया कितने बार गाना है, 11 जिला उखाड़ दिला किला, तो मैंने ऐसे तो भाई नहीं ना, छपरा है तो छपरा जी हिले, छपरा सिवान हिले, भोजपुरी के जो भी श्रोता है वो लोग जान जाए कि कोई भी गाना कोई किसी को टारगेट करके नहीं गाता है, ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो छोटे कलाकार हैं वो आप लोग को भड़काते हैं, इसलिए आप लोग कृपया इन लोग के जाते हैं। तो भैया, वो गाना चोरी वाले को हम लोग बात करते हैं कि गनवा चोरी का जो आता है, आवाज नहीं आ रही है निशान जी। हेलो, अभी आ रही है भैया? हेलो, नहीं अभी भी आवाज आपकी नहीं आ रही है मेरे पास। आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है।
पता नहीं क्या हो गया, इसको हटा दूं क्या मैं? अभी भी नहीं आ रही है, क्या हो गया? अभी नहीं आ रही आवाज, आवाज अचानक से आ रही है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? अभी आ रही है आवाज क्या? अभी भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है आवाज। मैं एक बार तो आपका लगता है प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम तो नहीं क्योंकि मेरी आवाज तो जा रही है। हेलो, आप लोग कृपया लिखे हैं जो लोग देख रहे हैं कि आवाज आ रही है कि नहीं मेरी आप लोगों को। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। आपको आ रही है क्या अभी आवाज? काट के फिर कनेक्ट करें क्या आपको? कुछ गड़बड़ हुआ है, आ रही है कभी आ रही है, रुक रही है, आ रही है रुक रही है। एक बैग आवाज कहाँ चली गई? नेटवर्क तो है ही। कनेक्ट करेंगे क्या? दोबारा करता हूँ भैया कनेक्ट। दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है भैया।